तो बहुत बच्चों कमेंट आ रहा था कि सर स्कूटनी का कॉपी कब से चेक होना शुरू होगा एंड स्कूटनी का रिजल्ट कब से आएगा, मतलब पेपर कब होगा, एंड खास कर ये भी बताऊंगा कंपार्टमेंट वालों को एग्जाम कब से होगा और रिजल्ट कब से आएगा, मतलब पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हर एक चीज बता दूंगा भाई, वीडियो पूरा देखना क्योंकि सब कुछ बदल गया। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये खबर कहाँ से ली है, बोर्ड से संपर्क के तब आपको बताता हूँ, कोई फैक्टुअल चीजें नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे आपको वही जानकारी देना है जो इस समय वर्तमान में चल रही है, जो होने वाला है। मतलब आज किस वीडियो में हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, कॉपी कब से चेक शुरू होगी, क्या लिखा है स्कूटरी की कॉपी कब से चेक होगी, मतलब मैंने क्या बोला आज किस वीडियो में हर एक चीज की जानकारी दे दूंगा। बट करना के यार वीडियो पूरा देखा तो करो मेरे भाई, इस जब वीडियो प्ले किया करो तो रख दिया करो, केवल सुना करो आखिर बोल क्या रहा हूँ, ठीक। मतलब इस वीडियो में हर एक जानकारी मिलने वाली है जो आपके दिमाग में चल रही है। दूसरा नंबर क्या कि स्कूटनी में कितना नंबर बढ़ रहा है इस साल जो है, कितना नंबर बढ़ रहा है, बहुत बच्चों का नंबर घट भी रहा है, किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है देखो तो वीडियो। तीसरा नंबर क्या है स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है कि रिजल्ट जब आएगा तभी तो आपके पास छुटकारा मिलेगी, आखिर रिजल्ट कब आएगा। चौथा नंबर क्या लिखा है दोस्तों, चौथा नंबर ये लिखा है कंपार्टमेंट का पेपर कब से होगा, मतलब पेपर कब से होगा, जैसा कि आपने फॉर्म वगैरह भर दिया है एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होगे, आखिर कब एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होगे, आखिर पेपर कब से है, मतलब हर एक चीज लिख लिख करके बताऊंगा, पूरी गारंटी है जो बताऊंगा वही होगा। पांचवा नंबर क्या है कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, पेपर कब होगा एंड रिजल्ट कब आएगा। मैं पहले बता दूं ये सब जो बताने वाला हूं ये खबर कहां से ली है, यूपी बोर्ड के माध्यम से बता से मैंने संपर्क करके तब आपको बताने जा रहा हूं, है ना। आखिर बात क्या है वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा भाई, पहले नंबर ये लिखा कि स्कूटनी की कॉपी कब से चेक होगा। जैसे दोस्तों हर बच्चों का कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप पर, जगह जगह कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम पर, आखिर स्कूटनी की कॉपी कब से चेक होगी, मतलब चेक हो रही है कब से होगी। तो जैसे दोस्तों मैं बता दूं आज किस वीडियो में आपको लोग डायरेक्ट इसलिए नहीं मैसेज किया मैंने, ना इसलिए डायरेक्ट बताया व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, क्योंकि मुझे पहले अच्छे से जान लेना था कि कब से चेक होगी। मतलब मैंने बोर्ड वगैरह से पूछा टीचरों से तो उन्होंने जो जानकारी दी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जानकारी कैसी है, बोर्ड से संबंधित जानकारी है, मतलब आज किस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर। तो जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए इस वीडियो में क्या लिखा मेरे भाई, कॉपी चेक होने में 3 दिन लगेगी, जो मैंने फोन करके बात किया उन्होंने यही बताया मेरे भाई, ये बोला कि बता दो बच्चों को यूट्यूब पर कि भाई 3 दिन कॉपी चेक होने में लगेगी, ठीक। जैसे दोस्तों 2 दिन लगता है लेकिन इस बार 3 दिन लग रहा है, इस बार नहीं मतलब 2 दिन लगता है कॉपी चेक होने में, लेकिन इलेक्शन को जैसे 3 दिन कॉपी चेक होने में लग रही है। क्या क्या दोस्तों क्या लिखा, तो जैसा कि दोस्तों स्कूटनी की कॉपी चेकिंग 20, 21, 22 तीन दिन कॉपी चेक होने में लग रहा है, समय लगेगा, ठीक। तो क्या लिखा है 2 से 3 दिन लग सकता है, किसने बताया, बोर्ड से वगैरह से पूछा मैंने, इसीलिए आपको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जगह जगह आप यहाँ पर भी मैं सर्च करते थे यूट्यूब पर कि किस दिन हमारी कॉपी चेक होगी, इसीलिए मैंने पूछा पहले तब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वही चीज बताया जाएगा यहाँ पर मेरे चैनल पर, जो आपको मतलब जो रियलिटी है वही बताएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरा नंबर क्या है कॉपी चेकिंग करने का समय क्या है भैया, तो कॉपी चेकिंग करने का समय ये है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे, तो आप ये भी मैंने बता दिया, यही तो पूछता हर एक जानकारी देता हूं मैं, है ना। तो सुबह 10 बजे से कॉपी चेक होना शुरू हो जाएगा शाम 5 बजे तक, कॉपी कितने दिन चेक होने लगेगी 3 दिन, समझ गए मेरे भाई, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन मामला क्या था भाई कि कितना नंबर बढ़ रहा है इस बार और किसका नंबर बढ़ेगा किसका नंबर घटेगा। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि भैया स्कूटनी में नंबर घटता नहीं है, मैंने क्या बोला ये नंबर घटता नहीं है, मैंने पूछ लिया इस बार हर बच्चे का नंबर घट नहीं रहा लेकिन बढ़ रहा है। अब रही बात क्या है कितना नंबर तुम्हारा बढ़ेगा कितना नंबर उनका बढ़ेगा, तुम्हारे साथ के दोस्तों का मतलब नंबर कितना कितना बढ़ रहा है, तो मेरे भाई आपके कॉपी के हिसाब से नंबर बढ़ेगा पहले बता दे रहा हूँ, ये नहीं कर पाए हो 18 तो हो जाएगा 43, 40, 50, 70 ऐसा नहीं है मेरा भाई। क्या लिखा है क्या लिखा है कि स्कूटनी में कितने नंबर बढ़ रहा है, तो भाई ये लिख रहा हूँ मैंने वही बताने मैं आज यही वही बताऊंगा जो मैंने पूछा हुआ खबर है, समझ लियो। क्या लिखा है, तो जैसा कि दोस्तों इस बार स्कूटनी में नंबर उसी का बढ़ रहा है जिसने साफ सुथरा लिखा है, उन्होंने यही बताया टीचरों ने कि जो है ना सरकारी मतलब बात कर ली है भैया प्योर बात है, नंबर उसी का बढ़ रहा है जो साफ सुथरा राइटिंग से साथ लिखा है, जिसकी राइटिंग साफ जिसने काट पीट नहीं की, देखो उन्होंने क्या बताया जिसकी उन्होंने क्या बताया सुनिए, जो काट पीट कॉपी में जो काट पीट कॉपी में नहीं किया है, ठीक, जिन्होंने नाम सही लिखा है रोल नंबर सही लिखा है बाकायदा सही लिखा हुआ है साफ सुथरा लिखा हुआ है कॉपी पूरा भरी हुई है काफी खाली नहीं हुई,
उन्हीं का नंबर बढ़ रहा है। अब रही बात क्या, जो जिसने कॉपी नहीं लिखा है तो उनका 4 नंबर 3 नंबर, लेकिन जिसने सही लिखा है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखा है, उसका डायरेक्ट दोस्तों क्या लिखा है, तो यह लिखा भाई क्या लिखा है, कितना नंबर बढ़ रहा है, तो जैसा कि दोस्तों इस बार 7 से लेकर 9 नंबर तक बढ़ रहा है। तो मेरे भाई जिसने सही से लिखा है पूरी राइटिंग, जिसने सही राइटिंग के साथ लिखा है, पूरा अच्छे से लिखा है, मतलब कहीं काट पीट नहीं कही, तो उसका भी डायरेक्ट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार 9 नंबर बढ़ा है। 9 नंबर मेरे भाई, हाईएस्ट 9 नंबर तक गया बढ़ते बढ़ते। लेकिन कब बढ़ेगा 9 नंबर, जब आप साफ सुथरा लिखे होंगे एंड पूरी कॉपी भरी होगी एंड अच्छे से रोल नंबर वगैरह नाम लिखा होगा। 8 9 ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है, 7 बढ़ेगा या 8 बढ़ेगा या 9 बढ़ेगा, मेरे भाई मैंने पूछ लिया है, नंबर इसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है इसी साल। इस बार मैंने क्या बोला, आप पास हो सकते हो यार, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं लेने का, लेकिन आप सही जैसे लिखे हो कॉपी में। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई खुले आम कि अगर आपने कॉपी फुल भरी है, भाई क्या बोला मैंने, अगर आपने फुल कॉपी भरी है, राइटिंग अगर आपकी सही है, लाइनिंग अगर आपने सही पारी हुई है, नाम वगैरह बकायदा आपने सही लिखा है, आपका डायरेक्टली 9 नंबर बढ़ेगा। ये कौन बताया, किसने बताया मुझे, ये मैंने बोर्ड के टीचरों से सरकारी पूछा है, जो डायरेक्टली कॉपी चेक करते हैं उनसे मैंने खबर ली है, उन्होंने यही बताया है कि ये भी बता देना बच्चों की जो कॉपी इस तरीके से लिखे हो उनका नंबर बढ़ रहा है, केवल अगर आपने इस तरीके से लिखे हो तो भैया डायरेक्ट हाइएस्ट 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर, मतलब कॉपी में काट पीट नहीं हो रही है, उसी नंबर बढ़ रहा है। ठीक, तो जैसे दोस्तों आप समझ गए, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अगर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर का लिखा भाई, तीसरा नंबर ये लिखा कि स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, मतलब क्या बोला, स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। मैंने यूपी बोर्ड से जानकारी ली है, वहां से मैंने बात होती रहती है, क्योंकि आपके लिए अपडेट नया लाता रहता हूं, क्योंकि भाई आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो क्या लिखा है दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट इस बार क्या लिखा है, तो जैसे दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट इस बार 27 मई या फिर 28 मई, हालांकि उधर जब एक दिन बढ़ेगा मतलब 20 21 22 है ना, 2-3 दिन लगा, तो इधर भी 2 दिन बढ़ जाएगा, 27 मई या फिर 28 मई को रिजल्ट आपका आएगा, देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अब कहाँ देखोगे, किस तरीके से देखोगे, हम सब बताएंगे, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखा करो, क्योंकि आप लोग हिरते रह जाओगे, पता नहीं कर पाओगे कहाँ मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है मैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं भैया कंपार्टमेंट वालों की नज़र, जो बच्चे कंपार्टमेंट में है उनके लिए, मतलब एक कदम कंपार्टमेंट के, एक नज़र कंपार्टमेंट वालों के बच्चे के लिए, तो क्या लिखा है, कंपार्टमेंट का पेपर कब होगा। जैसा कि दोस्तों आप तो तैयारी कर लिया होगा, अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो हम करवाते जाएंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं, आपको भी अपने आप पढ़ते रहना है, प्लस हम भी आपको एग्जांपल है ना इंपॉर्टेंट करवाएंगे। तो लिखा क्या है, कंपार्टमेंट का पेपर कब होगा, आखिर पेपर कब होगा, तो मेरे दोस्त जानकारी एकदम प्योर है। क्या लिखा है, तो जैसा कि दोस्तों 16 से 17 जून को कराया जाएगा, जो कंपार्टमेंट वाले की परीक्षा पेपर है वो 16 से 17 जून को कराया जाएगा, या फिर 16 से या फिर 17 जून से कराया जाएगा, ये क्या है कंपार्टमेंट वालों के लिए। अब पेपर का समय क्या है दोस्तों, तो 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगा पेपर आपका, 2 बजे से शाम का शुरू हो जाएगा और 5:15 तक आपका पेपर चलेगा कंपार्टमेंट वालों का, एक दिन में निपटा दिया जाएगा। और सुबह किसके चलेगा, अब नहीं दिमाग में चल रहा होगा सर सुबह, तो सुबह हाई स्कूल वालों के लिए होगा, वो भी बच्चे तो कंपार्टमेंट देंगे, और इंटर वाले शाम का होगा 2 बजे से शाम 5:15 तक। तो चिंता किस बात की, अब कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक, चाहे जिस प्रकार के आप छात्र हो। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये पता चलेगा कंपार्टमेंट का पेपर कब होगा, ये जरूर पता होना चाहिए कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर, इसीलिए करना क्या है आपको, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, घंटा दबा दो, ठीक। हम बात करते हैं 5वां नंबर का लिखा दोस्तों, जैसा कि दोस्तों 5वां नंबर ये लिखा है कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है भाई, क्या लिखा दिखे ये देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपार्टमेंट का रिजल्ट जून के लास्ट माह में आ जाएगा, मतलब 28 से 29 जून को आएगा, कहां पे चेक करना है मेरे भाई, UPMSB कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक, यहां नहीं मिल रहा तो सरकारी रिजल्ट पे चेक करना है, वहां नहीं मिल रहा सरकारी सरगम पर चेक करना है, यहां भी नहीं मिल रहा तो आपको गूगल पर, आप गूगल खोलना है, वहां पर लिखना है क्लास 12 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट, ऑलरेडी आ जाएगा, नहीं भी बता रहेगा, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बताएंगे किस तरीके से आपको चेक करना है, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक, आप समझदार हो, समझते हो हर एक चीज। 6वां नंबर क्या है, किस पर वीडियो चाहिए जरूर बताना, किस पर वीडियो चाहिए, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये भी लिख देना आई एम रेडी, मतलब वीडियो हमने सर पूरा देखा है। भैया मैथ पर वीडियो चाहिए या फिजिक्स पर चाहिए या केमिस्ट्री पर, जैसा दोस्तों हम कल वीडियो लाने वाले हैं मैथ पर, परसों वीडियो लाएंगे फिजिक्स पर,
और उसके बाद लाएंगे केमिस्ट्री, मतलब वीडियो ऑलरेडी पर डे आएगी, और फर्क इतना है कि आज वीडियो नहीं आ पाई तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन वीडियो इस चैनल पर आएगी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की तीनों। हालांकि जैसे दोस्तों इंग्लिश भी वीडियो आने वाली है, इंग्लिश का भी आएगा, लेकिन जिस पर जो जिस हिसाब से कमेंट वगैरह रहेगा उस हिसाब से वीडियो ज्यादा आएगी। जैसा दोस्तों आप समझ गए रिजल्ट कितना आएगा, 28 से 29 जून को भैया आपका रिजल्ट आएगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप समझ गए, आशा करते हैं वीडियो देख कर समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।